नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में हुंडई एक्स्टर और हुंडई एक्स्टर का ये है डुअल सिलेंडर सीएनजी वाला वेरिएंट। तो इस गाड़ी की जो सीएनजी है वो है बिल्कुल खत्म, और इसमें डालेंगे हम 1 किलो सीएनजी और टेस्ट करेंगे कि ये सिटी वाले एरिया में, पीक ट्रैफिक वाले एरिया में कैसा परफॉर्म करती है, साथ ही में क्या माइलेज निकाल के देती है। तो इस गाड़ी में आपको जो इंजन ऑप्शन मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर, जो कि पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों पे ही कंपैटिबल है। साथ ही में सीएनजी पर ये आपको 68 बीएचपी के साथ में 95 एनएम ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यार नाइट एडिशन में इस गाड़ी को लॉन्च किया है अभी हाल ही में, कितनी खूबसूरत लग रही है यार ब्लैक कलर में। मुझे कमेंट्स में सबसे पहले ये बताना। बूट को करते हैं एक बार इसका ओपन, एंड आप देख सकते हैं कि सीएनजी सिलेंडर इसमें आपको दो मिलते हैं, ट्विन सिलेंडर 30-30 लीटर्स के दो सिलेंडर आपको मिलते हैं। टोटल 60 लीटर्स की वाटर फिलिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है। बूट स्पेस आपका मिल जाता है इसमें, 2 से 3 बैग आप इजीली रख सकते हैं यहाँ पे। तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि 1 किलो सीएनजी में कितना चलती है और कितना माइलेज देती है। तो यार सीएनजी स्टेशन पर तो हम आ गए हैं और भैया ने लगा दिया है यहाँ पे सीएनजी वॉल्व में सीएनजी भरने वाला पाइप, एंड यहाँ से इसको कर देंगे ऑन और मीटर के पास में ना जाके इसका जो बटन है वो दबा देंगे ताकि ये जो सीएनजी है वो भरनी हो जाए स्टार्ट। तो यहाँ से भैया ज़ीरो हो जाती है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, और ज़ीरो से ये भरनी स्टार्ट हो जाती है। अभी ये कुछ 10 रुपये की यहाँ पर भर चुकी है। अब धीरे धीरे करके इसमें भाई पैसे जुड़ते रहेंगे और अपनी सीएनजी जो है वो 1 किलो यहाँ पर भर जाएगी। अब जब 1 किलो भर जाती है उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो भैया 1 किलो से ज़्यादा सीएनजी जो है वो यहाँ पे भर चुकी है, यानी 1 किलो 100 ग्राम के आसपास जो सीएनजी है वो इस हुंडई एक्स्टर के डुअल सिलेंडर सीएनजी में आया है। और अब इसके यहाँ पे हम करेंगे इसकी पेमेंट और गाड़ी को निकालेंगे यहाँ से। दोस्तों गाड़ी में आप देख सकते हैं कि सीएनजी यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं, साथ ही में इसमें हमने ट्रिप विक्टर जितना भी है वो जीरो कर लिया है। साथ ही में गाड़ी में बैठे इस टाइम पे 4 लोग, ठीक है। अभिषेक भाई यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी का एसी यहाँ पे परमानेंटली ऑन रहेगा, एंड इस गाड़ी को चलाते हैं सिटी वाले एरिया में, एंड देखेंगे क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें मिलता है, साथ ही में कितना ये जो माइलेज है गाड़ी निकाल के देती है। तो दोस्तों इसमें आपको जो इंजन मिल जाता है ना वो 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वही इंजन जो कि पेट्रोल पे भी आता है, एंड वही इंजन आपको सीएनजी पे कंपैटिबल, यानी फिटमेंट जो है वो फैक्ट्री फिटमेंट आपको सीएनजी की यहाँ पे मिलने वाली है। एंड बात करें यहाँ पे ड्राइविंग की, तो गाड़ी चलने में नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। देखो 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं टाटा की पंच से, तो पंच में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, उसमें आपको वाइब्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है, इंजन की आवाज़ आपको ज़्यादा मिलती है। इस गाड़ी में ना फील नहीं होता ऐसा कुछ। गाड़ी में एसी भी चालू है इस गाड़ी में, साथ ही में 4 बंदे भी बैठे हैं और गाड़ी मतलब सीएनजी पर है, तो बिल्कुल भी ऐसा वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, ना ही ऐसा फील हो रहा है कि ये गाड़ी सीएनजी पर चल रही है। अब एक बार अभिषेक भाई चला रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कि कैसा उनको परफॉर्मेंस इस गाड़ी से रिलेटेड मिल रहा है। तो अभिषेक भाई कैसा आपको फील हो रहा है, मतलब पेट्रोल से अगर आपने सीएनजी पे स्विच किया है? भाई गाड़ी स्मूथ तो बहुत है, हाँ, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो, मतलब देखो हर किसी का पेन होता है, मैंने टाटा पंच भी चलाई है, तो मुझे इससे ज्यादा अच्छी टाटा पंच लगी है। ओके, हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा जो इंजन मिलता है उसमें सीएनजी के अंदर, इससे थोड़ा पिकअप वाला देखने को मिल जाता है, और गाड़ी के अंदर स्पेस की बात करूं तो इसमें स्पेस की कोई इशू नहीं है। बट हाँ, टाटा पंच ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट में और इस ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी में मुझे टाटा पंच इससे बेटर लगी। ओवरऑल राइड की आप बात कर लो, ओवरऑल माइलेज तो भी पता लग जाएगा, बट उसका सिटी का माइलेज है 26 का। तो लेट्स सी ये इतना कवर करती है या नहीं, वो वीडियो के एंड तक पता चलेगा। यही चीज जानने के लिए इस वीडियो में आप आए हैं, और वीडियो को देखिएगा एंड तक। गाड़ी अपनी अभी 6 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख सकते हैं अपने सामने, एंड जो इसका एवरेज स्पीड लिमिट आती है वो 15 की आ रही है, और 24 मिनट हो गए चलाते हुए, आप इस वो भी देख सकते हैं किलोमीटर 53 यहाँ पे ड्रिवन हो चुकी है। एंड इसी के साथ में ना एक चीज मैंने नोटिस करी है इस गाड़ी में, जो कि है कि सीएनजी पे ना गाड़ी थोड़ी सी दबती है, ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हालांकि अभिषेक भाई चला रहे हैं, अभी ओवरटेक कर रहे थे किसी को, तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है या डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। हालांकि जो उसकी राइवल आती है टाटा की पंच, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है उसमें, बेशक वो इंजन इतना रिफाइनमेंट ना हो, लेकिन उसमें ना आपको हल्का सा पंच जो है वो फील होगा गाड़ी के नाम के साथ में ना, उसका इंजन जो है ना वो परफेक्ट सूट करता है यहाँ पे, तो ये फील आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ट्रैफिक वाले एरिया में हम इस गाड़ी को चला रहे हैं दिल्ली के। तो भैया सारा रिजल्ट आपके आ गया है सामने, गाड़ी को हमने यहाँ पे चलाया है,
18.2 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी के अंदर, जिसमें ये गाड़ी हमने 50 मिनट तक ड्राइव करी है और इस गाड़ी की एवरेज स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर की रही है। ये टोटल दिल्ली के पीक ट्रैफिक वाले एरिया में हमने इस गाड़ी को चलाया है एंड फाइनली इस गाड़ी की सीएनजी जो 1 किलो हमने भरवाई थी वो ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमने आपके लिए इस गाड़ी का किया है एक माइलेज टेस्ट, जिसमें हमने बताया है कि 1 किलोग्राम में ये गाड़ी कितना चलती है सीएनजी के ऊपर। ये गाड़ी डुअल सिलेंडर सीएनजी के साथ में आपको देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, ड्राइविंग डिपेंड्स करती है आपकी स्किल के ऊपर या माइलेज डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर एंड यहाँ पे 18.2 किलोमीटर पर केजी का जो माइलेज है वो एक्स्टर्न ने हमें सिटी एरिया में निकाल के दिया है, जिसमें यहाँ पे 4 बंदे बैठे हुए थे गाड़ी में और एसी फुल टू ऑन था यहाँ पे। इसी के अलावा अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो अगर आपको एक रिफाइंड इंजन चाहिए और अच्छा खासा स्पेस चाहिए, साथ ही में रियर में बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा ऑफर हो जाता है एंड नए नए लुक्स नए नए फीचर्स चाहिए तो आप ज़रूर जा सकते हैं हुंडई की एक्स्टर के साथ में। बाकी वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई अच्छी सी वीडियो में।